हे एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और यह है हमारी चैटअप सीरीज का एपिसोड नंबर 7। और लास्ट एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 6 में, हमने दो काम किए थे। पहला, हमने अपने यूज़र को रिमेम्बर करवाया था, यानी कि जिस भी यूज़र से हमने लॉगिन किया है तो अगली बार सेम यूज़र से वो लॉगिन अपने आप हो जाए और सीधे हम होम पेज पे आ जाए। और दूसरा, हमने अपना होम पेज बनाया था और थोड़ा सा अपना सर्च पेज भी बना लिया था। तो उस वीडियो के एंड में, यानी कि एपिसोड नंबर 6 के एंड में, मैंने तुम्हें एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, वो था हमारा सर्च इम्प्लीमेंट करना। और अगर तुम लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है। और बाकी अब आज की वीडियो में हम वो भी बनाने वाले हैं और साथ के साथ हम अपने एक चैट रूम का UI भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा कोड। और अभी तक हमने कहाँ तक बना लिया, अभी तक हमारा ये होम पेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, खाली अभी के लिए। और यहाँ पे हमने नीचे सर्च बटन लगाया था। ठीक है, तो इस सर्च बटन पे टैप करते ही हम अपने सर्च पेज पे आ गए। ठीक है, तो सर्च पेज पे हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारा सर्च, यहाँ पे हम डालेंगे एक यूज़र का ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आएगा और फिर जैसे ही हम सर्च पे टैप करेंगे, यहाँ नीचे हमें वो रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो उस ईमेल एड्रेस से एसोसिएटेड जो भी हमारा यूज़र होगा वो यहाँ पे हमें नीचे इसके दिख जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमें अपना सर्च का सिस्टम एक्चुअली बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक स्ट्रीम बिल्डर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्ट्रीम बिल्डर। अब ये जो स्ट्रीम बिल्डर है, इसे चाहिए एक स्ट्रीम। ठीक है, तो अभी के लिए तो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास इसे देने के लिए कोई स्ट्रीम है नहीं खास। ठीक है, तो अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं। अब हमारे यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाली टेक्स्ट फील्ड है, तो हर टेक्स्ट फील्ड में एक कंट्रोलर तो होना ही चाहिए। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर बना लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। हमारा सर्च कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सर्च कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। अब इस सर्च कंट्रोलर को अपनी इस टेक्स्ट फील्ड में असाइन कर देते हैं। ठीक है, सर्च कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सर्च कंट्रोलर। तो अब ये तो सर्च कंट्रोलर का टेक्स्ट होता है। ठीक है, तुम्हें पता है कंट्रोलर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट नाम से। तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, उसके अंदर हमें इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, उस टाइम पे जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें तब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बेस्ड, ठीक है, इस वैल्यू पे बेस्ड हमें क्या करना है, हमें फायरबेस में से रिजल्ट्स फेच करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम दे सकते हैं एक स्ट्रीम। तो देते हैं हम पहली अपनी स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, हमने फायरबेस फायरस्टोर को सिलेक्ट किया, उसके इंस्टेंस को। ओके, और यहाँ पे हम गए अपने यूजर्स वाले कलेक्शन में और वहाँ पे वेयर। अब वेयर जो है वो स्पेसिफिक रिजल्ट्स फेच करने के लिए होता है। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे हम देंगे अपनी फील्ड का नाम। फील्ड कौन सी, हमारी ईमेल। अब ये ईमेल हमारी वो वाली फील्ड है जो फायरबेस में जिस नाम से स्टोर्ड है। ठीक है, मैं तुम्हें फायरबेस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ फायरबेस पे हम जाएंगे फायरस्टोर डेटाबेस में और इस फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर ये यूजर्स वाला कलेक्शन है हमारा। ठीक है, और ये हमारी UID है ऑफकोर्स। और यहाँ पे हमारा ईमेल देखो कैसे स्टोर्ड है, इस फील्ड का नाम है ईमेल। अगर तुमने ईमेल आईडी लिखा है या फिर यूजर ईमेल लिखा है, मतलब जो भी इस फील्ड का नाम है वो वहाँ पे सेम ही रखना। ठीक है, उसके बिना वो फैच नहीं कर पाएगा। तो हमारे तो हर एक यूजर में सेम ही रहेगा क्योंकि हमने तो सेम ही लिखा है एक जगह पे, तो हर जगह सेम रहेगा। तो हमारा है ईमेल, हो सकता है तुम्हारी फील्ड का नाम अलग हो अगर तुमने अलग रखा होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे वो फील्ड का नाम आएगा। ओके, तो यहाँ पे ईमेल आ गई हमारी फील्ड। अब कॉमा, अब यहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तुम चेक कर सकते हो कि हमारी जो ईमेल वाली फील्ड है वो किसी वैल्यू के इक्वल है या फिर किसी वैल्यू के इक्वल नहीं है या फिर किसी वैल्यू से ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, वो सब यहाँ पे हम उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि ईमेल वाली फील्ड अगर इक्वल है हमारे सर्च टेक्स्ट के। ठीक है, तो यानी कि हमारा सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हमारे फायरबेस फायरस्टोर में एक कलेक्शन है यूजर्स नाम से, उसमें जहाँ पे हमारा ईमेल इक्वल टू है हमारे सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसके इक्वल है, तो हम उसके यहाँ से स्नैपशॉट्स उठा लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्ट्रीम यहाँ पे। ठीक है, अब स्ट्रीम बिल्डर में जैसे इसका नाम बताता है दो चीज़ें चाहिए, एक तो स्ट्रीम और एक बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे अगला फंक्शन हमारा बिल्डर। और इस बिल्डर में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला तो हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा स्नैपशॉट, यानी कि जो भी डेटा हमें यहाँ से मिला है। अब ये स्ट्रीम बिल्डर के अंदर ये जो स्ट्रीम होती है, एक स्ट्रीम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि हो सकता है हमारी स्ट्रीम अभी लोड हो रही हो, राइट, यानी कि अभी पूरी तरह से एक्टिव ना हो हमारा कनेक्शन, और हो सकता है हमारी स्ट्रीम के अंदर डेटा ही ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और उन सबको हमें हैंडल करना पड़ेगा यहाँ इस बिल्डर में।
तो सबसे पहले हमें जो ये स्नैपशॉट मिला है वहाँ से उसका हम कनेक्शन स्टेट चेक करेंगे। कनेक्शन स्टेट से मतलब यानी कि हम फायरबेस से ठीक से कनेक्ट हो पाए या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल कनेक्शन स्टेट डॉट एक्टिव, ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है कि हमारा कनेक्शन पूरी तरह से बन चुका है और वो एक्टिव है, ठीक है। हमारी ऐप फायरबेस फायर स्टोर से कनेक्टेड है, तो यानी कि हमारा कनेक्शन बन चुका, ठीक है। एल्स अगर हमारा कनेक्शन अभी तक नहीं बना है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे रिटर्न एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर हमारा कनेक्शन एक्टिव है, ठीक है, अब हमारा कनेक्शन एक्टिव हुआ, तो दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, हमें चेक करनी है कि हमारा जो स्नैपशॉट है उसके अंदर डेटा भी हो, क्योंकि कनेक्शन स्टेट एक्टिव है अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें डेटा ही नहीं है तो हमारे क्या काम का हो, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, ठीक है। अगर हमारे स्नैपशॉट में डेटा है तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा, और एल्स इफ। अब एक और केस पॉसिबल है यहाँ पे कि हमारे स्नैपशॉट में कुछ एरर आ जाए, ठीक है। तो दूसरा केस हो गया हमारा स्नैपशॉट डॉट हैज एरर, ठीक है। और इसके भी अलावा हमारा एक और केस है कि हमारे स्नैपशॉट में डेटा भी ना हो और ना कोई एरर आए, यानी कि हमारा स्नैपशॉट जो है एम्प्टी आ गया। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, नो रिजल्ट्स फाउंड। अब बाय चांस हमारे स्नैपशॉट में एरर आ गया तो फिर से हम एक और टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे एन एरर ओकर, ठीक है। अब हमारे स्नैपशॉट में डेटा है, ठीक है, यानी कि हमारे स्नैपशॉट को एक यूजर मिला हमारे उस ईमेल से एसोसिएटेड, तो अब उस स्नैपशॉट में वो डेटा आ चुका, ठीक है। तो ये होगा ये दोनों केसेस हमारे। अब हमारा लास्ट केस बचता है कि अगर हमारे पास डेटा भी है, ठीक है, तो यानी कि कनेक्शन स्टेट एक्टिव है और हमारे पास उसके अंदर डेटा भी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्लटर के जो पुराने वर्जन होते थे और जो हमारे फायरबेस यानी कि जो फायरबेस के जितने भी पैकेजेस हैं हमारा क्लाउड फायर स्टोर वगैरह, उनके जो पुराने वर्जन थे उनके अंदर हमें ज़्यादा टाइप की दिक्कत नहीं लेनी पड़ती थी, यानी कि जो भी डेटा टाइप है वो पहले से सब कुछ रिजॉल्व होता था, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे तुम्हें वहाँ से एक क्यूरी स्नैपशॉट मिलता था, ठीक है, क्यूरी स्नैपशॉट जिसके अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा डेटा होगा, ठीक है, जो कि एक मैप होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब तुम्हें क्यूरी स्नैपशॉट वहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्यूरी स्नैपशॉट वहाँ से नहीं मिल रहा है तो यानी कि तुम्हें खुद वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूरी स्नैपशॉट तुम्हें बनाना पड़ेगा और फिर उस क्यूरी स्नैपशॉट में डॉक्यूमेंट में जो डेटा होगा उसे भी तुम्हें खुद मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टफ काम है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ दो लाइनों का काम है, ठीक है। तो हमें चाहिए एक क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। पहले जो स्नैपशॉट होता था इसके अंदर क्यूरी स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली आता था, ठीक है, तो तब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब ये सब कन्वर्जन वगैरह ये जैसे जैसे नए वर्जन आ रहे हैं तो ये टाइप की दिक्कत हो रही है यहाँ, ठीक है। तो वैसे अच्छी बात भी एक तरह से, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यूरी स्नैपशॉट हमें चाहिए, इसका मैं नाम रखूँगा डेटा स्नैपशॉट। और यहाँ पे हम देंगे स्नैपशॉट यानी कि हमारा ये वाला स्नैपशॉट, ठीक है, जो हमें मिला है वहाँ से डॉट डेटा एज क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक क्यूरी स्नैपशॉट बनाया डेटा स्नैपशॉट नाम से और स्नैपशॉट का जो डेटा था, ठीक है, स्नैपशॉट डॉट डेटा उसको कन्वर्ट कर दिया एक क्यूरी स्नैपशॉट में, ठीक है। एक लाइन का काम था लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब इस क्यूरी स्नैपशॉट में से हमें चाहिए एक मैप, यानी कि जो भी हमारा यूजर है उसका मैप, ठीक है। तो हमें चाहिए मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हमारा यूजर मैप, ठीक है। तो मैप स्ट्रिंग डायनेमिक हमारा यूजर मैप। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा स्नैपशॉट में से डेटा उठाएंगे, ठीक है, ना कि हमारे इस वाले स्नैपशॉट में से, ठीक है। तो डेटा स्नैपशॉट में से हमें डेटा उठाना है, तो डेटा स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये डॉक का एक एरे है, एक लिस्ट है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो एक ईमेल से एसोसिएटेड एक ही अकाउंट हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ लूप्स वगैरह चलाने की या फिर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे पहला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे स्नैपशॉट में पहला डॉक्यूमेंट है यानी कि इंडेक्स जीरो पे जो भी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डॉक्स जीरो डॉट डेटा, ठीक है। तो हमने डेटा स्नैपशॉट में से पहला डॉक पकड़ा और उसका डेटा यहाँ पे फेच कर लिया। अब ऑफकोर्स ये डेटा है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क,
तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मैप स्ट्रिंग डायनेमिक में। तो सेम हम लिखेंगे एज, यहाँ पे एज और यहाँ पे मैप स्ट्रिंग और अपना डायनेमिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेटा का स्नैपशॉट आ गया, ठीक है, क्यूरी स्नैपशॉट, और फिर हमने उसमें से एक मैप निकाल लिया। ठीक है, हमारे यूज़र का मैप, यानी कि जो भी हमें रिजल्ट मिला है उसका हमने मैप निकाल लिया। अब इस मैप से हम यूज़र मॉडल बना सकते हैं, सही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यूज़र मॉडल में एक फ्रॉम मैप नाम का कंस्ट्रक्टर है ही ऑलरेडी। तो ये आ गया हमारा यूज़र मॉडल सर्च्ड यूज़र। ठीक है, जो भी यूज़र हमने सर्च किया है वो ऐप, ठीक है ना। तो यूज़र मॉडल सर्च्ड यूज़र, वेरिएबल के नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम कुछ भी रख सकते हो, ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं उन्हें ऐसे रखता हूँ। तुम ए बी सी रखो, कुछ भी रखो, बस तुम्हें उसका सेंस बनना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम आगे भी अगर फ्यूचर में कभी कोड को बाद में पढ़ो तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, तो यूज़र मॉडल सर्च्ड यूज़र, यानी कि जो भी हमें मिला सर्च करने के बाद, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। ठीक है, मैप से हम उसे करेंगे कंस्ट्रक्ट, और मैप कहाँ पे है, ये रहा हमारा यूज़र मैप। ठीक है, तो यूज़र मैप से हम उसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यूज़र मॉडल तो सिंपली आ ही गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिटर्न कर देंगे एक लिस्ट टाइल। ठीक है, अब इस लिस्ट टाइल का टाइटल में रखूँगा हमारे यूज़र का नाम। ठीक है, तो टेक्स्ट सर्च्ड यूज़र, हमारा सर्च्ड यूज़र डॉट फुल नेम डॉट टू स्ट्रिंग, अभी के लिए एरर आ रहा है उसे तुम इग्नोर कर देना। ठीक है, और सबटाइटल में मैं दूंगा सर्च्ड यूज़र डॉट ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग। अब चाहो तो इस डॉट टू स्ट्रिंग लगा सकते हो, या फिर तुम पे एक और ऑप्शन है, तुम सीधे सीधे यहाँ पे नल चेक लगा दो, तो भी वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नल चेक लगा देंगे अभी के लिए। तो हमारा टाइटल हो गया और सबटाइटल भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे एक एरर आ रही है कि इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, यानी कि हमारे लिस्ट में जीरो पे भी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और इफ़ लगाना पड़ेगा, एक और हमें चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हमारा ये जो डेटा स्नैपशॉट है, ये जो क्यूरी स्नैपशॉट है, इसके अंदर एक भी डॉक्यूमेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ डेटा स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी कि हमारे डेटा स्नैपशॉट में जो डॉक्स हैं उनकी लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ही हम एक यूज़र बनाएंगे और लिस्ट टाइल रिटर्न करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारे डॉक्स की लेंथ जीरो है या फिर जीरो से भी कम, जो कि हो ही नहीं सकती खैर कभी, तो अगर वो जीरो है तो क्या होगा, फिर से नो रिजल्ट्स फाउंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ गया एरर की जगह। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें सिर्फ इतना करना है, हमें अपने इस सर्च बटन के टैब पे, ठीक है, अभी मान लो मैं यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, तो सर्च पे टैप कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट स्टेट, सिर्फ सेट स्टेट और कुछ नहीं लिख रहा मैं, और ऐप को करता हूँ एक बार रीलोड, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे सेट स्टेट लिखा, अब इस सेट स्टेट से क्या होगा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो ये हमारा सर्च कंट्रोलर है, ठीक है, और जैसे ही हम इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारे सर्च कंट्रोलर में भी जो उसका टेक्स्ट है, ठीक है, सर्च कंट्रोलर जो टेक्स्ट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन हमारे यूआई को, हमारे जो बिल्ड फंक्शन है, इसे चेंज का पता नहीं लगता जब तक हम सेट स्टेट नहीं करते। ठीक है, तो सेट स्टेट से क्या होगा, जैसे हम अपने सर्च बटन पर टैप करेंगे तो हमारा ये जो बिल्ड फंक्शन है फिर से रन होगा, और इस बार हमारा ये जो चेंज है, यानी कि जो हमारा सर्च कंट्रोलर में जो टेक्स्ट का चेंज है वो हमारे स्ट्रीम बिल्डर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं, सर्च, ओके, तो ये देखो ये मेरा यूजर यहां पे आ गया। ठीक है, अब मैंने बिहाइंड द सीन्स मैंने एक और यूजर बना रखा था यहां पे, देखो, तो इसकी ईमेल आईडी तुम यहां पे देख सकते हो, newaccount@gmail.com। ठीक है, तो इस वाले को भी सर्च करके देखते हैं, इस रोहित सैमराल को यहां से हटाते हैं, लिखेंगे newaccount@gmail.com, सर्च करते हैं, ये देखो हमारा यूज़र यहाँ पे आ गया। अब मान लो मैं न्यू अकाउंट 2 कर दूँ और ऐसा कोई भी यूज़र यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँगा इसे सर्च अब, तो देखो नो रिजल्ट्स फाउंड।
न्यू अकाउंट को ही सर्च करते हैं फिर से। अब यहाँ पे हमारा न्यू अकाउंट आ गया, लेकिन देखा हो तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी लगा रखी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर का URL हमारे हर एक यूज़र के पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेंगे लीडिंग सर्कल अवतार, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है। वो कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हम लेंगे नेटवर्क इमेज, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास उसका URL है। और नेटवर्क इमेज में हम दे देंगे सर्च्ड यूजर डॉट प्रोफाइल पिक नल चेक, ठीक है। और ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी वहां पे आ गई, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वो लोड हो रहा होता है, जैसे अगर मैं मान लो अपना अकाउंट यहाँ पे सर्च करूं, ठीक है, तो सर्च देखो यहाँ पे ब्लू कलर आता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है हमारी इमेज को लोड होने में, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था जब अपलोड करते वक्त इमेज को थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कहाँ पे था, वो था हमारा कंप्लीट प्रोफाइल पेज में, ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल पेज में ऊपर करोगे यहाँ पे, ये रहा हमारा क्रॉप इमेज वाला फंक्शन, इसके अंदर ये रहा हमारा कंप्रेस क्वालिटी, ठीक है। तो इसे तुम चाहो तो और कम कर सकते हो अगर तुम्हारी इमेजेस देर में लोड हो रही है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या था कि यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा था, ठीक है, हमारी इमेज लोड होने से पहले ब्लू कलर आ रहा था, तो चाहो तो तुम वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ लिखना है तुम्हें बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा जैसे कुछ कलर्स डॉट ग्रे 500 ठीक रहेगा, ठीक है। फिर से सर्च करते हैं न्यू अकाउंट के लिए, ठीक है। अब देखो, अब तो हमारी इमेज लोड हुई नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार फेच हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है फायरबेस के बारे में, जैसे हमने एक बार अगर कोई इमेज लोड हो गई तो वो काफ़ी टाइम तक ऑलरेडी लोडेड रहती है, ठीक है। अगर अब मैं वापस अपने रोहित सेमरीवाल वाले अकाउंट पे जाऊंगा तो देखो इमेज इंस्टेंटली लोड हो रही है, ठीक है, बिल्कुल भी उसे लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है यहाँ। तो हमारा सर्च तो इम्प्लीमेंट हो गया, तो हमें क्या करना है, जैसे हम इस यूज़र पर टैप करें, ठीक है, इस यूज़र पर टैप करते ही हमें एक चैट रूम में चला जाना है, ठीक है। यानी कि जैसे हम इस पर टैप करेंगे ये वाला पेज हमारा बंद हो जाएगा और एकदम से एक चैट रूम खुल जाएगा, ठीक है। फिर से जाते हैं वापस, यहाँ पे करते हैं सर्च, ठीक है। तो जैसे हम इस पर टैप करें हमारा एक चैट रूम खुल जाए और ये वाला पेज हमारा बंद हो जाए, ठीक है, सिंपल है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक एरो लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये ट्रेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल के अंदर ही यहाँ लिखूंगा मैं ट्रेलिंग, यहाँ दे देंगे आइकन, आइकन्स डॉट कीबोर्ड एरो राइट देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये टैपेबल है, ठीक है, तो इस पर टैप करते ही हम अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो अब इस लिस्ट स्टाइल के अंदर हम देंगे अपना ऑन टैप वाला फंक्शन, यानी कि ऑन टैप हमें करना गया है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास चैट रूम पेज है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस में मैं बनाऊंगा हमारा चैट रूम पेज, ठीक है। तो हमारा चैट रूम पेज आ गया यहाँ पे, और इसे बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ये आ गया हमारा चैट रूम पेज यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस सर्च पेज में अपने यहाँ ऑन टैप में दे सकते हैं नेविगेटर डॉट पुश, कॉन्टेक्स्ट हमारा आ गया, राउट होगा हमारा मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर हमें देना है एक बिल्डर कॉन्टेक्स्ट जो कि हमें रिटर्न करेगा हमारा चैट रूम पेज, ठीक है। तो इस पर टैप करके देखते हैं, तो ये हमारा चैट रूम पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी के लिए वो ब्लैक है क्योंकि हमने रिटर्न कर रखा है यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। तो इस कंटेनर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्कैफोल्ड बॉडी सेफ एरिया, और यहाँ चाइल्ड में एक कंटेनर, ये लो हमारा पेज अब वाइट हो गया। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार ले लेते हैं सिंपल सी, ठीक है, ताकि हमारा बैक बटन भी हमें वहाँ पे मिल जाए ऊपर, ये रहा हमारा बैक बटन, ओके। तो अभी के लिए ऐप बार को मैं खाली रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस ऐप बार के टाइटल में यानी कि यहाँ पे इस बैक बटन के जस्ट साइड में हमारे यूजर की डिटेल आएंगी, राइट, उसकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी छोटी सी और उसके आगे उसका नाम आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास यूज़र की डिटेल्स वगैरह तो यहाँ पे है नहीं,
ये वो सब हम करेंगे अगले एपिसोड में, अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी का चैट रूम यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब हम इधर से जाते हैं बैग। अब तुमने देखा जैसे हम उधर से बैग आए हम वापस अपने सर्च पेज पे आ गए, लेकिन मैं चाहता था एक बार हम चैट रूम में पहुंच जाएं तो हम सीधे होम पेज पे वापस जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम किसी यूजर पर टैप करेंगे, ठीक है फिर से सर्च करता हूँ एक बार, मान लो जैसे ही मैं इस यूजर पर टैप करूंगा तो ये वाला पेज पहले बंद होना चाहिए, ठीक है ये वाला पेज पहले पॉप हो जाना चाहिए, उसके बाद अगला आना चाहिए, ठीक है। तो सर्च पेज पे जाऊंगा, यहाँ इस पुश से पहले एक पॉप कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो करंट पेज है वो बंद हो जाएगा और हमारा चैट रूम खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो टैप करा हमारा चैट रूम आ गया, और अगर मैं यहाँ से बैक जाऊंगा तो देखो मैं सीधा होम पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो कंप्लीट। फिर से करते हैं सर्च और चलते हैं अपने चैट पेज। तो ये आ गया हमारा चैट पेज। अब देखो मैं थोड़ा सा बीमार हूँ तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और वैसे भी सिंपल यूआई है, ठीक है आज हम सिर्फ यूआई बनाने वाले हैं तो ज़्यादा कुछ खास समझने को है नहीं, ठीक है। तो इन्जॉय करो और थोड़ा सा फॉलो अलॉन्ग करते हैं और जल्दी से ये चैट रूम का यूआई भी बना लेते हैं। ओके तो ये बन गया हमारा चैट रूम का भी यूआई। ओके ये हमारा ऊपर ऐप बार आ गई, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे यूज़र की डिटेल्स आएंगी इस बैक बटन के जस्ट साइड में, तो वो सब तो हम करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। यानी कि हम इस चैट रूम को जब फंक्शनल बनाएंगे तब करेंगे वो सब, और अभी के लिए ये हमारा ये खाली एरिया आ गया। देखो मैंने यहाँ पे कॉलम लिया, कॉलम में एक एक्सपेंडेड लिया, ठीक है। तो एक्सपेंडेड का मतलब पूरा एरिया ले लिया उसने, लेकिन फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना दिया तो वो हमारे एंड में आ गया, ठीक है। तो अब हमारा एक्सपेंडेड जो है ये वाला एरिया वो है हमारा ये वाइट वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चैट्स जाएंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाल दिया कि दिस इज वेयर द चैट्स विल गो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना मैसेजेस वाला टेक्स्ट फील्ड और एक आइकन बटन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो जैसे हम इस पर टैप करेंगे ये ऊपर भी आ जाएगा साथ के साथ, ठीक है, हमारे कीबोर्ड के ऊपर। और बॉटम नेविगेशन बार में ये मत लगाना, ठीक है, ये चीज़ यानी कि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड वाला विजेट है ये बड़ा सा, इसे अपने स्कैफोल्ड के बॉटम नेविगेशन बार में मत लगाना। लगाने से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर तुम उस पर टैप करोगे तो वो कीबोर्ड के साथ साथ ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा और तुम्हारा कीबोर्ड उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसे इंप्लीमेंट करना, तो अब यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे सेंड बटन दबा के उसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूआई हमारे चैट रूम का ये बन गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने अपना सर्च पेज पूरी तरह फिनिश कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से उसे टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा पूरा फ्लो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा rohitsamriwal@gmail.com, सर्च करूँगा, इस पर टैप करूँगा तो हमारा चैट रूम खुल गया, ठीक है। बैक जाएंगे तो हमारा होम पेज आ जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि करेंटली मैंने अपने rohitsamriwal@gmail.com वाले अकाउंट से ही लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं अपने ही अकाउंट को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अपना अकाउंट है ये, तो मैं अपने आप से ही चैट इनिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम सर्च करें तो हमारा ना आए वहाँ पे, ठीक है, हमें छोड़ के अगर कोई और है तो ही आए, ठीक है। तो हमारी ईमेल से हमारा अकाउंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्च पेज में ये जो हमारी स्ट्रीम है यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर वाली, तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि ईमेल इक्वल हो हमारे सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के, और साथ ही साथ हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर से डॉट वेयर लगा के तुम चाहो तो जितनी भी चीज़ें हैं सब चेक कर सकते हो एक साथ, ठीक है। डॉट वेयर बार बार लगाते रहो और जो भी है तुम चेक करते रहो। हमें चेक करना है कि हमारा जो ईमेल है, ठीक है, फिर से हमने ईमेल सेलेक्ट किया, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो हमारे सर्च कंट्रोलर के टेक्स्ट के और नॉट इक्वल टू हो हमारे करंट यूज़र के ईमेल के। अब हमारा करंट यूज़र कहाँ है, ये रहा, हमने फाइनल वैल्यूज ली थी हमारे सर्च पेज के कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट, हमारा यूजर मॉडल और फायरबेस यूजर, दोनों में से कोई से में से भी, दोनों में से किसी में से भी तुम अपनी ईमेल आईडी निकाल सकते हो, हम यूजर मॉडल से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ईमेल इज नॉट इक्वल टू विजिट डॉट यूजर मॉडल
email. तो अब हमारी स्ट्रीम क्या हुई, अब हमारी स्ट्रीम ये हुई कि जहाँ पे ईमेल इक्वल हो हमारे सर्च कंट्रोलर के टेक्स्ट के, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल हो हमारे करंट यूजर के ईमेल के, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं रोहित सेमरीवाल को सर्च करूँगा तो वो मुझे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई सी भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दूंगा तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च पूरी तरह से बग फ्री, ठीक है, बिल्कुल भी इधर अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर्स नहीं है। अब हम इससे चैट इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा ये चैट रूम भी बन चुका है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से वन ऑन वन सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है @ रोहित सेमरीवाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।